भाषणों में बोला कि कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा, इसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कहकर जमकर शेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। जब हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए तहकीकात की तो मामला कुछ और निकला। दरअसल ये वीडियो पूरा नहीं है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद किए गए राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो क्लिप, जिसमें राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर किए गए सवाल का जवाब दिया था। हमने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो किसान कर्जा माफी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड। It's been quite a nice journey. A little bit of a beating also. It's a good thing. It's not a bad thing. सुना कि राहुल गांधी साफ-साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी किसानों की कर्ज माफी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राहुल गांधी पर किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्यों हमला बोला जा रहा है। आपको भी पता चल गया होगा कि देश में आधी अधूरी जानकारी देकर लोगों को किस तरह बरगलाया जाता है और अपने अपने हितों को साधने की कोशिश की जाती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब